हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं लेके आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। अपन इस वीडियो में निफ्टी बैंक का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप अगर न्यू हो इस चैनल पे एंड यू आर ऑलरेडी माय सब्सक्राइबर, तो दिस इज़ द फ्री ई बुक देयर आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल, राइट। इस बुक ई बुक में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं एंड लर्निंग्स हैं। इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं, आपको दिख जाएंगे जो मेरे फेवरेट चार्ट पैटर्न्स हैं एंड सारे चार्ट पैटर्न का चार्ट शीट विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स द मेन सीन कि आपको ये वीडियो पूरा देखो, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करना अबाउट द ई बुक। सिंपल लिखना आई वॉन्ट द ई बुक, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ निफ्टी इन वन डे टाइम फ्रेम। एंड जैसा कि देख सकते हो, आपने मेरा रील्स देखा होगा, प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन था ना निफ्टी में, अपन डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। इसी ट्रेंड लाइन के हेल्प से मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड, राइट। ये ब्रेकआउट फेलियर था, फिर से मार्केट में यहाँ टाइम स्पेंड हुआ बहुत टाइम, लाइक अराउंड 2 to 3 वीक्स। उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट दिया, एज यू कैन सी मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। इस लेवल पे भी अपन देखे थे 17,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ये लेवल टच होगा। फिर मैंने कहा था दिस इज़ द ब्रेकआउट जोन, अगर इसको ब्रेक करता है, ये जो लेवल गैप पेंडिंग था, तो अपन ये टारगेट देख सकते हैं, जो कि टारगेट अचीव हो चुका है, राइट। अब क्या करना है अपन वो देखते हैं। देखो, ऊपर का टारगेट निफ्टी में देखा जाए तो ये लेवल का 17,800 का टारगेट अचीव हो चुका है, जो कि प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते होगे मेरा यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप लोगों को ये पता होगा। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके वन आवर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। देखो, इमीडिएट टारगेट ऊपर का तो आपको दिख रहा है 18,100 और 18,000, ये दो जो लेवल है ना, ये जो दो लेवल है इंपॉर्टेंट टारगेट है आने वाले डेज़ के लिए। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और ये जोन को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये जो दो ऊपर का टारगेट बताया ना, यहाँ से मार्केट अगर मूव करना स्टार्ट करे, अब कैसे मूव करना स्टार्ट करे वो थोड़ा देख लेते हैं एक बार। अब अपन 15 मिनट में एंट्री एग्जिट प्लान कर लेते हैं। 15 मिनट में जैसे शिफ्ट करोगे तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा निफ्टी में कि ये पैरेलल चैनल अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन के हेल्प से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बट स्टिल एक जब तक मार्केट में ये लेवल इंटैक्ट है ना, ये लेवल 17,560 का ही लेवल है, या ये लेवल के नीचे मार्केट एक डाउन ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर नहीं बना के जाना स्टार्ट हुआ, तब तक अपन शॉर्ट का पोजीशन नहीं ऐड करेंगे मार्केट में, ठीक है। एक बार मूव आउट कर लेता हूँ। बट बोलोगे कि यार मैं शॉर्ट भी खेलना चाहता हूँ, तो कैसे खेल सकते हो? तो एक छोटा लेवल जो ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ मैं आप लोगों का, ये जो लेवल है ना, ये लेवल याद रखना 17,333। इसके नीचे मार्केट एग्रेसिवली शॉर्ट करने जाना जब ये बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे एंड थोड़ा सा लोअर लोज बनाना स्टार्ट करे, तो अपन नीचे का टारगेट ये अचीव कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इतना समझ गए। नीचे आना, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, इसको एग्रेसिवली, ये जोन को भी ब्रेक कर दिया मार्केट, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नीचे फॉल करना स्टार्ट हुआ, तो ये अपन टारगेट अचीव कर सकते हैं नीचे की तरफ। अब देखो कि कैसे ऊपर का ट्रेड लेना है। मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने देना, लाइक कोई पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न या फिर जिगजैग, तो ब्रेकआउट देगा तो अपन ये टारगेट अचीव करेंगे 18,000 एंड 18,100, ये लेवल के बीच में अपन रेजिस्टेंस फेस करेंगे। बट स्टिल ऊपर का टारगेट ये है, तो ये प्लानिंग है अपन निफ्टी में। बट स्टिल गाइज, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो मैं बाई साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है अराउंड दिस लेवल पे मंडे को, लेट मी ड्रॉ दिस, इस लेवल पे फ्लैट ओपनिंग देके टाइम स्पेंड करके 1 बजे के बाद ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, तो अपन नीचे के स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का टारगेट ट्रेल करते चलेंगे। एंड गैप डाउन हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये वाला जो मैं जोन बताया नीचे का टारगेट ये अपन मिलेगा। तो ये सिंपल मैंने बता दिया निफ्टी में। अब अपन बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कैसे प्लान करते हैं। ओके, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये निफ्टी वाला एनालिसिस, एंड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, बताना। सो गाइस, ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी भी फॉल कर रहा था, बढ़िया। एंड जब ये ब्रेकआउट हुआ ये ट्रायंगल, ये ट्रेंड लाइन का, तो अपन एक अपसाइड टारगेट रैली भी देखे, ये लेवल भी ब्रेक हुआ जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था, एज यू कैन सी। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का थर्सडे को आया था। अब कैसे मूव करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन ये देख सकते हैं जो नीचे का पहले थोड़ा ये जो पहले रेड एरिया है, रेसिस्टेंस जोन था, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मैं इसको ग्रीन कर लिया। कल को देखो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल के नीचे आना स्टार्ट होगा तो ये स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका इमीडिएटली और ये टारगेट बनेगा, ठीक है। याद रखना, ये जो स्विंग है, फर्स्ट स्विंग जो यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर से नीचे आना स्टार्ट है, इमीडिएट ये आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ, ये फर्स्ट टारगेट। स्टिल मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दे, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के, तीनों सिनेरियो डिस्कस कर, फ्लैट खुल के मार्केट टाइम में स्पेंड करने देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ जब तक मार्केट टाइम स्पेंड करके ऊपर नहीं जाता तो अपन ये टारगेट आने वाले डेज में नहीं देखेंगे। 42,600 का टारगेट जब भी लेंगे जब बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करके ऊपर जाए, रिमेंबर करना, ठीक है। एंड स्टिल मार्केट अगर गैप डाउन खुल के जब तक ये लेवल इंटैक्ट है ना, लेट मी रिमूव, एक बार ड्राइंग थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ये लेवल जो है ना मार्केट में, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है गाइज, ये लेवल, ये जो जोन है, ये लेवल जब तक इंटैक्ट, यहाँ से कोई भी फिर से बुलिशनेस स्पॉट आउट होता आने वाले डेज में तो ऊपर का टारगेट ही लेंगे। नीचे के लिए शॉर्ट एग्रेसिव शॉर्ट कब करेंगे, जब 41,500 के नीचे मार्केट अपन लोअर लोज बना के आना स्टार्ट कर दे तो नीचे का आपको दिख रहा है ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। स्टिल गैप अप ओपनिंग होगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है निफ्टी बैंक। सो दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग इन निफ्टी बैंक ऑल्सो एंड द निफ्टी ऑल्सो। सो मेक श्योर आप कमेंट करके बताना कैसा लगा ये एनालिसिस, एंड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो बेसिक से स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोज़ डालने वाला हूँ। व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हु कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, सो मेनी थिंग्स आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट दिस वीडियो एंड दिस यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। टिल देन डू टेक केयर, बाय।